देखिए, हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंकिंग हमने कर ली थी, फील्ड मार्शल जो होता है वो अब ख़त्म कर दी गई, सिर्फ दो अभी तक जो लोग हैं उनको बनाया गया है फील्ड मार्शल, और ये अब इस रैंक को ख़त्म कर दिया गया। जनरल जनरल और जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वही होते हैं आर्मी के चीफ, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं ये ऑफिसर रैंक है, ये लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग करते हैं, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, और फिर जनरल तक बनते हैं। फिर अगर इसमें और अगर आप फैक्ट देखें तो ये बता रहा था आपको, ये इनके सिंबल होते हैं, तो ये लेफ्टिनेंट से लेके आप इसमें देख सकते हैं फील्ड मार्शल तक। फील्ड मार्शल तो अब ख़त्म कर दिया गया है, जनरल तक लोग बनते हैं इस समय। एक अशोक का चिन्ह, फिर ये सोर्ड, फिर ये वाला सिंबल, और फिर लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये है पूरी आपके सिंबल। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो सिर्फ अभी तक अपॉइंटमेंट किए गए हैं फील्ड मार्शल, जो कि टॉप पोस्ट है आर्मी की, कोई भी आर्मी का बंदा इससे ज़्यादा नहीं पहुंच सकता, और ये तो अब ख़त्म ही कर दी गई है। टू यानी कि जनरल जो है ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, यानी आर्मी का हेड होता है। तो ये आप इसमें देख लीजिए, ये लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है, दो इसमें 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं, और फिर ये पे बैंड होता है इनका, ये ऑफिसर वन क्लास वाला ये, फिर ये ऐसे ही, फिर कैप्टन में 3 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं, फिर मेजर में नेशनल एम्बलम भी आ जाता है, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल में नेशनल एम्बलम आ जाता है प्लस 5 पॉइंटेड स्टार भी होते हैं, फिर कर्नल में नेशनल एम्बलम प्लस 2 5 पॉइंटेड स्टार होते हैं। फिर कर्नल तक तो जो ये एनडी और सीडीएस और बीटेक वाले हैं वो तो बन जाते हैं अपने आप, लेकिन उसके बाद कर्नल और उसके अबव का जो होता है वो सिलेक्शन ग्रेड होता है, मतलब उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है और फिर उसमें सिलेक्शन होता है। मतलब हर आदमी ऐसा नहीं है कि जनरल तक ही बनेगा, इसीलिए हर आदमी चीफ आर्मी का चीफ नहीं बनता है। हर जो भी लेफ्टिनेंट गया है, जो भी आर्मी में कमीशन रैंक पे गए हैं लोग, वो मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होती है पूरी। और ये उनकी एज लिखी, मतलब कुछ उनकी प्रोसीजर होते हैं, फिर वो फाइनली जाके प्रमोट होते हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक बन सकते हैं आप लेफ्टिनेंट से, लेकिन उसके ऊपर के लिए आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, और बाकी सब टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो इन सब के लिए आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ते हैं उसमें, आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता है बाकायदा इसमें। इसमें देखिए, कर्नल की जो मैक्सिमम एज है वो 54 है, ब्रिगेडियर की 56 है, मेजर जनरल की 58 है, लेफ्टिनेंट जनरल की 60 है, जनरल की 62 है, और अब फील्ड मार्शल तो ख़त्म ही कर दिया गया है। फील्ड मार्शल रैंक एकदम बस ये सेरेमोनियल टाइप की रैंक है, और ये अब इस समय आर्मी में तो कोई है नहीं, और सिर्फ दो ऑफिसर्स को दी गई है। सबसे पहले ये लेट फील्ड मार्शल सैम मानिकसॉ को दी गई थी, और दूसरी के एम करियप्पा को। सिर्फ इन दोनों के नाम को आप याद रखिएगा। फील्ड मार्शल का मतलब होता है वो पूरी ज़िंदगी अपनी रैंक को रखते हैं, और उनको सर्विंग ऑफिसर्स बोला जाता है जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, और उनको पेंशन नहीं मिलती है, उनको पूरी पे मिलती है जनरल के बराबर। जनरल यानी कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है उसके बराबर, और वो फुल यूनिफॉर्म पहनता है, जो भी ऑफिशियल्स हो किस होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, आर्मी डे में। और ये एक ऑफिस भी चलाते थे जो फील्ड मार्शल थे आर्मी हेडक्वार्टर में, उनका एक डेडिकेटेड सेक्रेटरीट भी होता है अपना खुद का। तो ये आर्मी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको कुछ और इसके बारे में अगर डाउट हो तो आप कमेंट पर लिख दीजिएगा, जवाब दे देंगे उसका। बाकी आप इसमें देख सकते हैं, प्लस टू से अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम आप सूबेदार मेजर तक ही बन सकते हैं, सिर्फ सिपाही से एंट्री करके। और ये लांस नायक, फिर नायक, फिर हवलदार, फिर नायब सूबेदार, फिर सूबेदार और सूबेदार मेजर तक ही कर सकते हैं, और आप जब रिटायर होंगे तो आपको ऑनररी कैप्टन बोला जाएगा। और ये पूरा सैलरी स्ट्रक्चर है। एनडीए सीडीएस या बीटेक करके जाएंगे तो लेफ्टिनेंट बन के जाएंगे, और मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल तक तो बन जाएंगे अपने आप, लेकिन कर्नल के बाद, कर्नल से लेके और जनरल तक पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। मतलब अगर आप टैलेंटेड होंगे तभी आप ऊपर बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसीलिए हर आदमी आर्मी का चीफ नहीं बनता है। ये पूरा है इसमें, आर्मी की रैंक, हायरार्की, और उसकी सैलरी, जो भी प्लस टू के लिए और ग्रेजुएशन के लिए देख रहा हूँ, तो वो उनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।